हेलो दोस्तों, सभी को जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग्स पर। सो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और कामना करती हूँ आप सब भी खुश रहें, मस्त रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाली हूँ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में। अब इन दोनों की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि अभी तक तो जो चल रहा था ठीक ही चल रहा था, अभी एक गुलाबी टीम है, कहिए तो एक तरीके से गुलाबी टीम है, मतलब उनके पीछे काफ़ी महिलाएं हैं उनके साथ में, और सब लोग गुलाबी कलर की साड़ी में ही रहती हैं। उन लोगों ने स्ट्रिक्टली, जो मेरे आपने देखा होगा थंबनेल में, मैंने उनका फ़ोटो भी लगाया हुआ है, वो लोग बहुत ही सख्त हिदायत दी हैं कि अब अगर ये लोग नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो डंडे से बात की जाएगी। इतनी बड़ी बात तो अभी तक शायद प्रशासन ने भी नहीं कहा है जो इन लोगों ने कह दिया। और एक रिपोर्टर भाई गए थे उनके वहाँ रिपोर्टिंग के लिए, वो बोले आप ऐसा कर सकती हैं, तो उन्होंने डंडा दिखाया, बोले कि जो कोर्ट और थाना अदालत नहीं कर सकती वो काम हम कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज के विरोध में है। तो सही बात है, इन्होंने गलती तो की है गाइस, बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ना एक महिला, मतलब एक माँ भी है इनके ऊपर, पत्नी बहू बेटी माँ समाज सबकी जवाबदारी होते हुए ज्योति मौर्या ने इतना गलत कदम उठाया। और सबसे बड़ी जवाबदारी जो की है उनका, अपने पद से, इतने बड़े पद पर, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद उन्होंने इतना गलत कदम उठाया। अगर उनको अपने पति से नहीं, उनके साथ रहना था, उनका नहीं जमता था एक दूसरे का, तो सडनली डिवोर्स ले लेती या एक दूसरे से अलग हो जाती, बट किसी और से अफेयर चलाना, किसी और के साथ पकड़े जाना, किसी और के साथ उनके नाजायज़ संबंध, ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी इज्जत को एकदम तार तार कर दिया है, जो कि होना नहीं चाहिए किसी भी महिला के लिए। उसका आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है, ना तो कुर्सी काम आएगी और ना ही पैसा काम आएगा। थोड़ी बहुत इज्जत तो होनी ही चाहिए, जो कि उनके पास इस समय थोड़ी बहुत क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आप जहाँ सुनिए उन्हीं की बातें हो रही हैं, उनकी की बुराई हो रही है। अब तो उनकी वजह से कितनी महिलाओं की ज़िंदगी दांव पर लग गई है। उनके परिवार वाले उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लोगों ने अब नारा भी बना लिया है, बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। अब बताइए, जिनकी कम उम्र में शादी हो गई है वो अब बेचारी क्या करे, उन लोगों का भविष्य तो दांव पर लग गया है ना। एक की गलती की वजह से भुगतना सबको पड़ेगा, और पढ़ ही रहा है, कितनी महिलाएं जो हैं उनकी पढ़ाई छूट गई और वो रो रही हैं आज घर में बैठकर, सिर्फ और सिर्फ एक ज्योति मौर्या की वजह से। थोड़ी बहुत तो शर्म इनको, इनके अंदर ज़रूर होनी हो चाहिए। अभी तक इन्होंने ना तो कोई जवाब दिया है, ना ही तो सामने से आकर माफ़ी मांगी है। मानना ही पड़ेगा कि दूसरा कोई इंसान हो तो मुँह छिपाना भारी पड़े, इनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रही हैं क्या नहीं। तो मैं टॉपिक था हमारा गुलाबी टीम, तो वो आंटी जी थोड़ा एजेड हैं और उनकी पूरी महिलाओं की टीम है, बहुत ही बड़ी उनकी मंडली है, उनके एक इशारे पर मतलब कुछ भी हो सकता है, मार पीट समझौता सब कुछ हो जाता है, और काफ़ी मैटर उन्होंने सॉल्व भी किए हुए हैं, तो जिसका आपने फ़ोटो थंबनेल में देखा। आप लोग बताना ज़रूर अपनी राय कि क्या ये सही है। अब मार पीट करके कोई किसी को सुधार सकता है? जो खुद नहीं सुधर सकता है, समझाने पे नहीं सुधर सकता, इतनी बदनामी पे नहीं सुधर सकता है, वो मारने पर सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरी तो सोच नहीं है कि मार खाने पे वो सुधर जाएंगी, और मैं आंटी जी को भी बोलूँगी कि ये सब गलत बात या गलत अफवाह ना फैलाएं, और एक महिला होकर डंडा लेके दिखा रही है मारने के लिए। अरे अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म होती तो इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा अपराध वो खुद नहीं करती, आप उनको मारकर अपना हाथ क्यों गंदा कर रही हैं? तो प्लीज़ आप इस तरीके का वीडियो ना तो बनाइए और ना ही मीडिया में रिपोर्ट दीजिए। मेरी आपसे विनती है आंटी जी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।